Hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में I'm gonna take you through my day and show you what all things I eat in a day. Starting my day with getting up in the morning. इसी में मुझे सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है. So बाहर का व्यू कुछ ऐसा है. अभी 5:30 हो रहे तो बाहर still dark हो रहा है. I generally start my day with some lukewarm water and lemon. This is good for stomach. So I will take my time and have my lemon water. इसके बाद I generally go to my terrace or my balcony. एंड वहाँ पे मैं अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा चिल करती हूँ. समटाइम्स योगा, समटाइम्स मेडिटेशन, बेसिकली वट एवर आई फील लाइक दैट डे. आज तो आई जस्ट स्टार्टेड एंड मेरे दोस्त आ गए थे. यू वॉन्ट सी हु माई फ्रेंड्स आर? आई एम जस्ट गोना शो यू. हाय फॉक्सी, दिस इज माई फ्रेंड फॉक्सी. शी इज ऑब्वियसली स्ट्रे. ये मुझसे कभी भी आ जाती है मिलने पूरे दिन में. एंड ये आई है अपने पापा के साथ. ये है टॉमी, टिपिकल स्ट्रे नेम आई नो. So, अभी अंदर आएंगे. खाते टाइम ये थोड़े नखरे दिखाती है. मुझे इसका खाना बाहर रखना पड़ा. अब ये बाय बाय बोल के चली जाएगी. आफ्टर दिस आई क्लीन्ड माय रूम. इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 hours एंड आई टुक अ शावर आल्सो. आई एम जस्ट गोना टेक दिस डाउनस्टेयर्स. वहां देखूंगी कि इसका क्या करना है. इसको जल्दी से रख के मैं अभी आई. ओके, सो द फर्स्ट मील ऑफ द डे इज जनरली ओट्स. आई रीच आउट फॉर ब्रेड्स या ओट्स या एग्स, वट एवर आई कैन फाइंड. तो अभी मैं ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड पाउडर, उसमें थोड़ा ल्यूकवॉर्म वाटर ऐड कर रही हूँ. ओट्स मुझे बहुत ही अच्छी मील लगती है एज अ फर्स्ट मील. ये ब्लड शुगर लेवल्स एंड कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकता है. सो आई एम गोना टॉप इट अप विद वट एवर फ्रूट्स आर अवेलेबल एट माई हाउस राइट नाउ. एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको अपना खाना विजुअली अपीलिंग बहुत लगना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी. इफ़ यू गाइज डोंट लाइक मिल्क, यू कैन अवॉइड मिल्क ऑल्सो. आई तो लव मिल्क एंड आई एम गोना ऐड अ लिटिल हनी टू इट ऑल्सो. इफ़ यू डोंट लाइक हनी तो आप इसमें पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जागरी पाउडर, या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं. सो मेरी पहली मील मैं बहुत लाइट रखती हूँ. ये ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है एंड बहुत फिलिंग भी होता है. ब्रेकफास्ट या कोई भी मील विदाउट डांसिंग इज जस्ट लाइक अ क्राइम फॉर मी. तो मतलब वट एवर सॉन्ग्स प्लेइंग आई जस्ट ग्रूव टू इट. सो आई वॉज जस्ट सीइंग कि खाना तो ऑलमोस्ट ओवर है, तो आई वॉज गोना ओपन माई लैपटॉप एंड लुक एट माई मेल्स. बट टू माई सरप्राइज, हाहा, मेरा जो लैपटॉप था वो डिस्चार्ज हो गया था. तो आई वॉज गोना चार्ज इट बट आई फॉरगॉट एंड अब मुझे इसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा. Always forget to charge my things. This is as raw as it could be, guys. And now I'm gonna charge my laptop. And before that, I'm gonna finish my breakfast. Lot of people have told me ki unko oats khana pasand nahi hai. Yaar kaise? I love oats. But I also agree ki mere taste buds jo hai na, they're like, unless it is really bad, I can eat anything. And I'm about to bite myself. This happens to me almost 50 times a day because I wear braces and people with braces, they're just used to this. The struggle with braces is real, guys. But I'm back on track now. I was practicing some BTS moves and I finished my breakfast also. So I'm just gonna go keep this and carry on with the rest of the day and plan out my meals accordingly. Cut to around 12:30-ish. Generally, is time pe I take some fruits, whatever is available at my house, guys. Whatever is available. So, abhi I'm just gonna have some anar and some pear, and side by side, I'm just gonna do some work. So, while I eat this, I'm gonna have a look at the mails and college ke kuch assignments hain, to wo bhi I'm gonna see. So, kyunki abhi colleges to band hai, but I'm sure it's gonna reopen soon. So, I'm just making sure ki mere assignments maine sare kar liye hon. So that बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद आई सॉ योर कॉमेंट्स. दीज कॉमेंट्स मेक माई डे, गाइज. बहुत हंसी आती है, बहुत अच्छा लगता है. सो फॉर अ गुड 1 or 2 hours आई जस्ट लुक एट माई कॉमेंट्स एंड ट्राई टू रिप्लाई टू देम एंड ट्राई टू लाइक एवरी कॉमेंट. एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने सजेशंस मेरे साथ कॉमेंट्स में प्लीज़ शेयर करो. क्या सोच रहे हो मेरी वीडियोज़ के बारे में, मुझे ज़रूर बताओ. एंड कोई भी वीडियो सजेशंस होती हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर करो, बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट. और जब भी आपको मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर करना. दीज आर सम ऑफ योर कॉमेंट्स ऑन माई लेटेस्ट वीडियो, गाइज. जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना. आई हैव वर्कड ऑन इट. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना. इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस क्रिएटर्स.
सो दिस इज़ माई थर्ड मील विच इज़ जनरली माई मोस्ट फेवरेट मील, क्योंकि लंच हम बहुत हैवी करते हैं. आज मैंने लाइट किया फिर से, बट मैं जनरली लंच बहुत हैवी करती हूँ. सो अभी टाइम कुछ 2:30 हो रहा है एंड आई थिंक ये परफेक्ट टाइम होता है लंच का. तो फॉर लंच आई कैन नेवर स्किप राइस. मतलब बींग अ नॉर्थ इंडियन, राइस इज समथिंग विच वी हैव एवरी सिंगल डे लंच में, एंड हम उसको बोलते हैं दाल भात. तो अभी तो मैं कड़ी खा रही हूँ, बट 99% टाइम्स वी जस्ट हैव दाल एंड भात विद सम सैलड्स और व्हाटएवर इज अवेलेबल. सो बेसिकली पहाड़ियों के घर पे ना दाल एंड राइस यू विल इजीली गेट, तो वो तो बनता ही बनता है. उसके ऊपर कुछ बनना है तो वो बन जाएगा, बट दाल भात तो इज लाइक अ मस्ट थिंग. सो लेट मी नो, बिकॉज यू गाइस आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, लाइक व्हाट you guys have in lunch every day. For me, lunch is pretty much constant. It is dal bhat with some sabzi and salads. And dahi guys, dahi is a must for me in lunch. So khate hue maine abhi bahut dikha diya hai, so I'm gonna go and complete my lunch and I'll be right back. I took a small nap because raat ko main bahut zyada soyi nahi thi. So abhi it is 4 and it is time for my collagen drink. So it is time for me to have my collagen booster. ये है New Herbs का skin collagen booster with hyaluronic acid. मैंने collagen start कर दिया था right after my birthday. जैसे कि मैंने पहले बोला है, it is really important for us to have a nutritional meal. Because externally हम वही show करते हैं जो हम internally हैं. And it is important कि हम internally बहुत healthy हों. So क्योंकि मुझे collagen use करते हुए almost 4 months हो गए हैं, I'm gonna take one full scoop. If you want, you can start with a little lesser quantity also. I feel it is very very important to be fit and healthy internally. तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके एक्सटर्नल सेल्फ पे. कोलेजन का बहुत बेसिक फंक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है स्किन को रिपेयर करने का. उसके साथ साथ ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन भी करता है. न्यू हर्ब्स का स्पेसिफिकली मुझे स्किन कोलेजन पाउडर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बना है 4 नेचुरल ब्लेंड से. उसके साथ साथ ये ग्लूटेन एंड सोया फ्री है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ना ही इसमें एडेड शुगर है या आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर है. ये बना है 4 नेचुरल सीड्स के ब्लेंड से, जो कि पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर एंड क्विनोआ, जो हमारी स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत यूजफुल है. सो ये ड्रिंक मुझे देगी एक नेचुरल कोलेजन बूस्ट. स्किन को सपल एंड नरिश रखने के लिए जो भी विटामिंस रिक्वायर्ड है ये वो प्रोवाइड करेगा. ओवरऑल आई रियली लाइक द प्रोडक्ट. इसके बाद आई वेंट आउट फॉर सम टाइम एंड इट वॉज टाइम फॉर माई डिनर. तो बाहर क्योंकि मैं फोन नहीं लेके गई थी, टाइम का आइडिया रहा नहीं. सो 7:40 हो चुका है एंड इट इज टाइम फॉर माई डिनर. वैसे कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है, बट आई जनरली ट्राई कि 8:00 तक मेरा डिनर कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पे मैं लेट्यूस ले रही हूँ, अनियन, कैप्सिकम, टोमेटोज, वट एवर इज अवेलेबल आई जस्ट टेक दैट. उसके साथ हम गोना ऐड 200 ग्राम्स ऑफ पनीर. तो यहाँ पे मैं पनीर ऐड कर रही हूँ, ये मैंने सोक कर ली थी गर्म पानी में, सो ये सॉफ्ट हो गई है बहुत ज्यादा. उसके साथ हम गोना ऐड सम, तो इसमें ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स एंड सम व्हाइट सॉल्ट. आप रॉक सॉल्ट भी यूज कर सकते हो. उसके बाद यू कैन आइदर यूज ऑलिव ऑयल या फिर हेम्प सीड ऑयल, वट एवर इज अवेलेबल. मेरे पास हेम्प सीड है तो हम गोना यूज दैट. उसके साथ साथ आई जनरली ट्राई टू अवॉइड, बट अब ये टेस्टी लगता है तो आई जस्ट टेक सम लो फैट सॉस एंड सम सीड्स. इसमें मैं अपनी फेवरेट इंग्रेडिएंट डालना तो भूल गई, विच इज स्वीट कॉर्न, जो मैंने लेटर ऑन ऐड कर दिया था. आई कुडंट वेट टू ट्राई इट. आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई लव ईटिंग सैलड्स. मतलब मैं तो स्पेसिफिकली बाहर सैलड खाने जाती हूँ, एंड क्योंकि मैंने सूप के स्पून से इसको मिक्स किया था, मैंने उसी के साथ इसको स्टार्ट कर दिया खाना. अगेन डिनर बहुत लाइट होना चाहिए, तो दिस विल ईजिली गेट अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड टेस्ट्स यम्मी. एक बार इफ यू हैवन ट्राइड सैलड्स ना, यू कैन ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो. ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बट इट टेस्ट्स यम्मी. इसको और टेस्टी बनाना है तो यू कैन ऐड लो फैट सॉसेस इसमें, यू कैन ऑल्सो ऐड लेमन टू इट. ये वैसे ही खाने में इतना टेस्टी होता है. मैं अपनी कुकिंग स्किल्स को कितना अप्रिशिएट करती हूँ गाइज, कोई करे ना करे मैं तो जरूर करती हूँ. आई वुड से फूड इज समथिंग विच कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी. इसीलिए आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज एन आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम इफ इट साउंड्स बेटर. बट आई हैव अ स्वीट टूथ एंड मैं विदाउट मीठा तो रह नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी. आई नो मीठा अवॉइड करना चाहिए, बट समटाइम्स इट इज ओके. एंड वैसे भी इसमें मैंने चीनी ऐड करी नहीं है बिकॉज़ इसमें और चीजें बहुत सारी एडेड है. तो आई एम गोना एंजॉय माई आइसक्रीम, दैट इज यूजुअली द लास्ट मील ऑफ द डे. इसको मैं मील में ही काउंट करती हूँ बिकॉज लुक एट द साइज ऑफ दिस. एंड ये मैंने घर पे बनाई है, तो आई एम गोना शो यू ऑल्सो कि ये मैंने कैसे बनाया. इस आइसक्रीम की खासियत ये है कि जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा हो ना, आप उसकी आइसक्रीम बना दो घर पे एंड इट विल टेस्ट यम्मी. तो आई एम गोना टेक सम क्रीम, क्वान्टिटीज ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आई बॉल कर लो. सो आई एम गोना टेक दिस मच क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए आइसक्रीम बना रही हूँ. उसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क. ना ये छोटा वाला बॉक्स है, ये पूरा लग जाएगा. एंड उसमें मैं ऐड करूँगी दूध. आप चाहो फुल फैट मिल्क यूज़ कर लो या डबल टोन, डजेंट मैटर. एंड फिर सीजनल फ्रूट, तो मैंगो चल रहा है, तो आई एम गोना यूज़ अ फुल मैंगो. अभी इसमें कंडेंस्ड मिल्क है और मैंगो है, तो इसे मीठा करने की और ज़रूरत है नहीं. सो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई एम गोना पुट इट इन अ ट्रे. सो ये बेकिंग ट्रे है,
कि ये मेरी आइसक्रीम्स को अच्छे से फ्रीज भी कर देता है. एज टॉपिंग्स आई एम गोना ऐड सम क्रश्ड चॉकलेट आलमंड्स एंड देन रेफ्रिजरेट दिस एंड यू विल हैव द मोस्ट डिलीशियस आइसक्रीम आई प्रॉमिस. सब करने के बाद आई एम गोना वॉच अ मूवी एंड देन स्लीप. आज का दिन रहा प्रोडक्टिव. आई कैन इजिली स्लीप एंड नाउ यू गाइस कैन स्लीप टू. ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस. मुझे बताना कैसी लगी वीडियो. आई वॉज रियली नर्वस फॉर दिस वन. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कर देना. And I will see you guys in my next video. Until next time. Bye guys.